राम राम भाई, सारे भाई आपका भाई सुंदर दिन हो दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज मैं भाई गांव दुल्लेड़ी के शमशान घाट में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो है भाई शमशान घाट है, ये किकर है किकर। और भाई जो गरीब परिवार में लड़की की शादी में मदद करा है मुरारी जांगड़ा, कल मैंने उसकी वीडियो देखी, बोला भाई इंदवा के ऊपर जो है बात कर रखी है, अपनी जो है गऊ रख है, छोटे छोटे बछड़े हैं वे भी रखे है, इस साइड ने दिखा दे दो, यो बना रखा, ये यो बना रखा। और भाई काल गर्म हो रहा था, क्यों गर्म हो रहा था आखिर भाई पूरी के बात है, वह बात मैं जो है मुरारी तय बुझन का काम करूँगा। गिल गिल आ जाओ भाई, कैमरा मैन तो कहूँगा ये देखो। और भाई गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा हो है, और याड़ा भाई आंधी भी हैं, और भाई लंगड़ी भी हैं, और भाई पाँ कटोड़ी भी हैं, सारे डाल की जो है अपने गऊ बछड़े याड़ा मिलेंगे। और भाई जो है जान की तैयारी में था, तो इतनी देर में महा भाई मुरारी जाओ ना, एक बारी माँ आ गया हूँ मुरारी। राम राम भाई, आ जाओ कैमरा मैन तो ही कहूँगा, गिल गिल आ जाओ और छाया माँ आ जाओ, क्योंकि देखिए पहले तो मैं जो है कैमरा मैन तो ही कहूँगा ये बाछड़े दिखा दो, किसी का कान कट रहा है, अगन आ जाओ, अगन आ जाओ, किसी का कान कट रहा है, किसी का भाई पाँ, कोई आंधी है। और भाई सबसे बड़ी बात तो जो यह है कि इनकी सेवा करनी बहुत बड़ी मानु को हूँ, बहुत बड़ी सेवा है भाई। और मुरारी तक काल आड़े जो है सवाल कराएंगे, क्योंकि इंदवा के ऊपर जो है भाई वो बाठा रहा था। तो एक बार फिर तो राम राम आने दे। राम राम भाई, सुंदर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमेशा है ना समाज के, समाज को एक संदेश देने वाली खबर को आप प्रसारित कर रहे हो। चलो कर उड़दे तीर लेना, उड़दे तीर तो नहीं ले है। बिल्कुल ना ना भाई साहब, आप जो काल बताई थी सच्चाई बात कही थी, कान पर्दे खोले थे, जिसके खुल गए हो वो बता दियो भाई, ना खुले हो तो आड़ा जियो भाई। अच्छा हाँ खोल देंगे दम। नहीं वाह के बात थी, बोला ये हिंदुए मारे हैं, ये गेरे हैं, वाह के बात भाई। कल एक भाई आए थे, मंजीत भाई आए थे यहाँ पे, उन्होंने ये बछड़े देखे, ये देखो ये बछड़े हैं, इसके दोनों कान, इसके दोनों कान को नहीं, ठीक है, इस बछड़े ने ना गणे को नहीं छह सात मतलब 12-6 महीने होंगे जो इसने दूध पीना छोड़ दिया होगा, और जब उससे पहले किसी ने रखा भी होगा, यो जब तक उस गाय ने दूध दिया उसके पास रखा होगा, उसके बाद खुले में छोड़ दिया मरने के लिए, ठीक है। तो इसके दोनों कान खा गए, उसका दोषी कौन है भाई? जो गाय को काटने के लिए लेके जा है वो खुले में थोड़ी छोड़ दे सको है, और आप ही हिंदू छोड़ना है इन्हें अपने स्वार्थ के लिए। तो कई बार हमारे पास वो राव है नुकाव है कि भाई गाय दे देख, मैं बोले भाई या बंदरी ले जा, फिर वो नुको दूध देश है, मैं भाई दूध तो कौन दे हुए तुनु लगके फिर के फूकांगे। अच्छा ये हिंदुओं के जवाब है ये, बोले के फूकांगे इसका। अच्छा यानी कि गौ माता के प्रति प्यार प्रेम और जो आप गौ माता का जो धर्म मानते हैं वो है ही नहीं बहुत सारे इंसानों में, स्वार्थी हो गए लोग, वो सोचे अगर जो गाय दूध नहीं देगी तो अपने बालक भूखे मर जाएंगे। भाई भगवान ने जिसने जन्म दिया है ना वो भूखा भी कौन सुहा है, ठीक बात है। और गौ की सेवा करो, गौ को गले लगाओ, आप हजारों बीमारियां कटती हैं, उसकी बात का बेरत कौन है। कई बार मारा आंखें मासू आ जाओ है इस तरह तो के जो, मुरारी इस तरह के जो बाछड़े देखा हाँ, देखो है? अच्छी बात है, इबिया गांच है, हाँ इबिया गांच है, इसका बारे में नूबे रह कि भैया आगे ही को नहीं हुआ, यानी कदे ब्याह को नहीं, अगला जोड़ा खोल दिया, क्यों किसी काम की को नहीं, एक्सीडेंट होगी रोड पर आगे पाए कट गया, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हिंदू है आप ही हाँ जो छोड़ रहे हैं, और जो यह घर ही रही जा रहे 5-10 मिनट तोड़ी खा लिया रे है, अरे गौशाला में चाहे ना दो हमने को, हाँ गौशाला में जिसका भाई 15-15, 20-20 किले हैं वो दे दो, जिसका एक किला है ना वो एक गऊ एक भैंस के लिए राक्षस का है, ठीक है, अब उसने छोड़ देंगे तो वह कोई कुत्ते पाड़ेंगे उसने करेंगे, तो सबसे बड़ा पाप तो वही है भाई, असली जो है ना मतलब गऊ हत्यारे तो आप ही हो गए ना। अच्छा ये सवाल था कल तो। अच्छा यो और बुझूंगा मैं कि मुरारी गौ सेवा करा अच्छी बात है, तो इस तरह तो बात करके दुश्मन तो नहीं पैदा कर रहे हैं भाई? दुश्मन क्यों पैदा करेंगे, जो असली आदमी होगा वो सुन लेगा मेरी बात, और जो नकली आदमी है वो तो भाई तो दुश्मन तो बनाएगा, बेशक बनी जाओ ची, और नकली आदमी वो होगा जो गाने छोड़ता होगा वो ना ही कदे गणे आओ बोले के समाज से बना तू फलाना दिखड़ा है, लेकिन श्यामी आने की हिम्मत को नहीं। अच्छा हाँ मतलब नुका है के सौ भाई मेरे सती जो है ना हर एक जो सच्चा गो भक्त है वो जुड़ा हुआ है हमसे, हम आपस में हमारा जो है ना ग्रुप है,
किसी की हिम्मत को नहीं है नुआण की। नकली आदमी होगा ना वो करेगा, और असली आदमी होगा वो राग सेवा करे है गौ की। रोज आओ हैं, बहुत सारे गांव तो आओ हैं, जो रोटी लेके आओ हैं, चारा लेके आओ, एक भाई डेली चारा लेके आओ, काट के करते हैं। अच्छा हाँ, वो नो कब घर ही को रख सकता, लेकिन आड़ा आगे सेवा कर सकूंगी या हो सेवा। ठीक है, तो मुरारी मैंने सुनी है कि किते जो है कंपनी में लाग रहा था, तो छोड़ के गौ सेवा करने लगे। जी भाई साहब, मेरा आज गुड़गांव में था, इंटीरियर का बिजनेस था, बड़े बड़े फ्लैटों में हम ठेक के लिया करते, आठ आठ दस दस लाख रुपया के, पंद्रह पंद्रह बीस बीस लाख के लिया करते। लेकिन जब कोरोना काल आया, जब भाई कोरोना काल में सब किम तहस नहस हो गया वहाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं मतलब अच्छा काम करे समाज में, जो इज्जत है वो अपनी इज्जत बनी रहे। तो भाई इज्जत है तो सब कुछ है, और भाई ये जो गऊ का जो गऊ गौ माता का जो बेसहारा बेजबान प्राणियों के लिए, तो जब जागृत हुआ था मेरा मन कि भाई जब एक नहर के अंदर दो गऊ माताएं जो हैं गिरी हुई थी। अच्छा। और हम रोज वहां से निकल रहे थे, तब तक मुझे ये नहीं पता था भाई गऊ सेवा होती क्या है, कैसे की जाती है, इनके इनकी आत्मा कैसे रोती होगी, ये पता नहीं था मेरे को। अच्छा। लेकिन एक दिन कुदरती आप जैसे भाई का फोन आ गया उसी लोकेशन पर नहर के पास ही, मैं उतर के बात करने लग गया फोन पर, जैसे आप ही बाइक पर उतर के करने लग जाओ। हाँ, तो जैसे मैंने देखा नहर के अंदर, उसने ना काफी सारे निशान कर रखे थे निकलने की कोशिश की हुई थी, तो मैंने दिमाग लगाया भाई ये तो हमें बहुत मतलब अधर्म हो गया भाई, ये तो बहुत दुखी हैं। तो देखा नहीं गया, मन में उसी दिन जो है जागृति होगी, और मैंने उस दिन फिर जेसीबी बुलाई है, वह नहर तोड़वाई है, नहर तोड़वा के उससे पहले उनको चराया भी है पड़ोस के खेत में से, चोरी करके चारा काट के चराया उनको, ताकि इनमें हिम्मत आ जाओ। फिर वो बाढ़ना निकाल के और फिर वो गई भाग। उस दिन था मेरा भाई जन्मदिन। सही बताऊं बात, बहुत बढ़िया करया। तो 31 दिसंबर का मेरा जन्मदिन है, यानी कि हर साल से पहले दिन आ जाता है, तो नए साल को ये है ना गठित हुई थी। मैंने रात को इन्होंने सोचा कि अगर कोई नहीं होता तो ये गऊ माता मर जाती। उसी दिन मैंने मेरा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, तो भाई कोई इसी दुखी हालत में हो तो मुन्ना बताओ। धीरे धीरे यह संगठन बन गया, संस्था बन गई। बिल्कुल, तो गौ माता का वरदान है, गौ माता आज तक नहीं मिली हमें, वो बहुत ढूंढी हमने। तो मुरारी परिवार में कौन कौन है भाई? परिवार में भाई तीन बेटी हैं और मिसिज है, माँ बापू हैं। तो घर खर्चा को कर चल रहे हैं? घर खर्चा भाई अपना यो ही काम है, साइड बिजनेस चल रहे हैं अपने, इंटीरियर के चल रहे हैं, जो उड़ा कराया कर दे वो थोड़ा बहुत आ जा है, या कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े जो है बिल्डर के रूप में मैं काम करूँ हूँ, विद मटेरियल काम लेके लेबर छोड़ दिया। अच्छा, काम चल रहा है उसका? चल रहा है। हाँ ठीक है, तो ई टोटल कितनी गऊ हैं, कितने बछड़े हैं? अड़े ई भाई साहब ज़्यादातर तो है नहीं, बछड़े आओ हैं। देखो यो बछड़ा है, यो भी एक्सीडेंट है, यो छोटेड़ा है, दूध पिए पछे, ऊपरला है, उसका पार्ट टूट रहा है जम्मा, उसका पैर वैसे तो देख सी बताऊ बात, इसका पैर कटना चाहिए, इसके नीचे जो है देख दिखाऊ नहीं आपको मैं कैमरे में, इसके नीचे हड्डी बाहर निकली हुई इसकी। अच्छा, लेकिन इससे है ना ये बैलेंस बना लिया आपका तो ठीक है भाई, क्यों का दर्द करा गऊ माता का? हाँ, बिल्कुल खत्म नहीं है, लेकिन ये देखो देखो मतलब ये पैर इसका ऐसे रहता बेचारे का। ठीक ठीक ठीक, और ये अंधा है, इसकी एक आँख फूटी हुई है। अच्छा, ये अंधा है, जैसे इसको हम छोड़ देंगे बेल खोल देंगे तो ये गोल गोल घूमने लगेगा। ये आप देख लो, इसकी एक आँख जो है ना, ये एक आँख है ही नहीं इसके। ठीक ठीक ठीक, और अंधा है ये बेचारा। अच्छा, वे भी तो अंधी है ना? यह भी अंधी है, इसको भी अंधी है। हाँ, और वो दोनों, वह भी अंधी, उन्हें दिखाओ जी, उन्हें दिखाओ, वह भी दोनों अंधी हैं। एक जो नंदी महाराज है, गौ माता है, वो अंधी है। इनको ये नहीं पता है कि भाई मेरे ऊपर धरती, नीचे धरती है, आसमान है। अच्छा, बस अच्छा। इनको ये पता है कि भूख लगती है जब चरना है, इसमें मुंह आना हड़। अरे यो कुत्ता, ये भाई साहब आ जा हमारे उधर, कुत्ते जो से मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पिछड़ घिसड़ा है, इस तरह आई जा हम ठीक करके छोड़ दे। हाँ, अच्छा, ये भी इसका नीचे जख्म दिखा नहीं सकता, ऑपरेशन कर रखा है इसका। अच्छा, ऑपरेशन हो रहा है। हाँ भाई, वीडियो में वॉयलेंस आ जाएगा। हाँ ठीक, तो इसलिए जख्म ज्यादा नहीं दिखा सकते इसके, जैसे दोनों कान पाट रखे हैं, इसके साए कौन कान, इसका जख्म है बड़े बड़े, तो डेली इसकी जो है ड्रेसिंग हो जाएगी, और अब बिल्कुल ठीक है, आराम है इसको बहुत सारा। ठीक ठीक। हाँ, तो मतलब आपने ये सारा आपने कर रखा है भाई? सारे सेवक आओ हैं, आठ दस सेवक आए रहे हैं, पर भाई ये जो बना रखा है एक अलग से जाड्डा का बना रखे है। अच्छा, इसमें पशुआ ने मतलब जाड्डा हो भाई, सर्दी हो जब उसमें बांध दिया। हाँ, और उर्ली बना भाई एक गौ सेवक, जितने भी देख रहे हैं जो भी भाई गौशाला वाले चला रहे हैं उनसे मैं एक चीज दिखाऊंगा भाई, इस तरह का आप करो गौशाला में जिसमें गौ मतलब दुखी को नहीं, ऊपर दिखा दे भाई, दिखा दे
ये जो साइड देख रहे हो ना आप, देसी तरीके से जो पहले आप छान गा लिया कर दे उस तरीके से है। और इसका मैं फोकर सिस्टम भी हमने लगा रखा है ऊपर, जिसमें गौ माता की ओर फुहार लगती है। अच्छा, यानी कि एक ऐसी जैसा माहौल हो जाता है इसमें। ठीक, तब तो मानसून है तो कम चलाते हैं इसको। तो ये जो साइड है ना, इसमें आप खड़े हो आप, अगर यहाँ खड़े होते इसी के ऊपर टेंड होते तो कितने घर में होती। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये जो देसी तरीके से बना रखा है, ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये फायदा है। तो गौ माता को है ना हम परेशान क्यों करें, अगर टीन क्यों लगाओ आप, इस तरह सेट बनाओ आप। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी। तो अपना मेन मकसद क्या है भाई, ये गौ इनका सेवा करने का यार किस तरह? मेन मकसद तो ये है, देख मारो तो किसी बेजबान प्राणी घायल दुखी बीमार हो, हमारा डटी कौन जा, हम यार लिया हम सेवा करी जाओ बस। जीव जंतु कल्याण सेवा दल दुल्लेड़ी अपने एरिया के अंदर फेमस है, क्योंकि हमने 5 साल हो गए लग गए, हर जगह हम फील्ड में भी सेवा दे के आवा। हाँ, बैग उठा ले जाओ, दवाइयाँ कर कर आवा इलाज। अच्छा अच्छा, हाँ जो सीरीज हो पूरा ले आओ। हाँ, क्योंकि जगह थोड़ी है, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ावाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और साधन भाई, अपना साधन क्या? साधन एक एम्बुलेंस हमारे पास में, एम्बुलेंस अब भी गई हुई है गाय को लेने के लिए। अच्छा, हाँ एक एम्बुलेंस है, और भाई भी आ जाए। ठीक है, कोई किमें लेके आ जाए, कई बार कमी कई आड़े भी ले आओ हैं, अपनी गाड़ी में भेजते हैं, तो चल रहा है बढ़िया सही है। बिल्कुल, तो मुरारी बात करा पा इस गौशाला की, तो इसमें मतलब पूरा गांव का सहयोग है भाई? गांव के भी आओ हड़े, बाहर के भी आओ हैं, तो शाम हल्के के जितने भी गांव है ना, सबकी गौ सबकी है, गौशाला नहीं है या चिकित्सालय है, इसमें सिर्फ आप मतलब आपको सही एक भी गायें वगैरह नहीं, डॉक्टर भाई पूरा आसपास में आ जाए हैं, अपने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स हैं वो आ जाए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भाई देखो इमरजेंसी में जम्मा जाना पड़ा है, तो डॉक्टर ने पूछ के बता पूछ लें भाई कौन सा की दवाई लगानी है, पट्टी पट्टी दम बांध दिया। हाँ भैया, तो अरे कोई आदमी कर सकता है। अच्छा, ठीक है, ये मैं आपने एक गाय बताऊंगा दिखाऊंगा जो मेरे चिकित्सालय में सिर्फ एक ही गाय है जो सही है, या देखो आप जो टबरी गाँव से इसी गाँव नहीं दिखाई कितने भी गौशाला में नहीं पाओगे आपने। ठीक है, हालांकि या ब्याहोगे चौथा भिन्न में नुका रंग दूध नहीं दे तो खोल दें, या इस खुट्टे पर तो खुले को नहीं सेवा हो, इसके तगड़ी हो रही है, गिर और साई मिक्स है या। अच्छा, हाँ दूसरे ना अगर घर में हो तो यहाँ कितना दूध है इसका भाई साहब 17 से 18 लीटर दूध है। अच्छा, ब्याहने के बाद में ईब भी दे 2-2.5 किलो टेम का इसका दूध। हम क्या, हाँ जैसे छोटे बछड़े आ गए, कुत्ता आ गया, इसका निकाल के इसने पिया, लोगों से बच के रहो भाई, कहियो ना तो देखो दुकानदारी खोल रखी है। अच्छा, मैं मानू हूँ वो दान घना इकट्ठा कर ले हैं, लेकिन गौशाला में व्यवस्था बढ़िया बन पावे। ठीक है, मैं उदाहरण के लिए एक गौशाला आपको बताऊंगा, अपने एरिया के अंदर सबसे बढ़िया गौशाला है जूई गौशाला, आपने देखी भी होगी, आशीष प्रधान जी हैं उसके प्रधान। अच्छा, उसमें 4 टाइम तो सफाई होती है। अच्छा, हाँ दूसरे नंबर पर भाई है धंधा घने कर रहे हैं भाई, दो गौ रख के न बोले गौशाला बनावा, हाँ गौशाला बनावा, हाँ उनको दोहरा ठंडी पाओ को नहीं भाई, पहले दोहरा रुपये होना चाहिए कि मैं तो जब तक गौशाला बनेगी आप ही नुए सोच लिया भाई चंदा ऊपर आप गौशाला बनाए बना को नहीं, उसमें किमिन किमें आपने थोड़ा हा करके दिखाना पड़ेगा, सेवा करके दिखाना पड़ेगा, लोगों का मन मनुआ आओगे ना भाई ये वास्तव में सेवा कर रहे हैं, जब भी दूड़ा होगा आपके एरिया में गणेश हैं, इव नाम क्यों लिया आप विनयकम गणेश हैं, हमें तो बेरस है ये, हमें तो हमें सारी चीज़ें हम लिकट रहे हैं, हमने 5-6 साल हो गए लगे इसमें, हजारों तो लाखों सांप पकड़ लिए हमने छोड़ दिया, हाँ ये भी अपने कृष्ण भाई लाग रहे हैं तो सामने आपने बेरा है ये वो अपने क्षेत्र कौन जाओ उन्होंने गाँव से आप पकड़ जा रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ चलो। तो हरेक जीव की मतलब ये नहीं कि भाई गौ सेवा ही नहीं है, हरेक जीव की सेवा करो, मैं तो ये मानता हूँ वो कुत्ता है ना उसमें वही आत्मा है और गौ माता में वही आत्मा है। चलो ये है जी। ठीक है मुरारी भाई, ठीक है। तो भाई मुरारी तो खुला ही बोला है, आपने क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी, और हम राम सारे भैया ने जय हिंद जय भारत।